Hello and I welcome all of you to Defense Mania. So, how's your preparation for AFCAT 1 2022 exam is going on? देखो AFCAT का पूरा syllabus analyze करें ना तो GK is believed to be most difficult part. क्यों? Because of vastness of syllabus. Syllabus बहुत ज़्यादा vast है और उसमें से आते हैं 25 questions. ठीक है? इतने बड़े बड़े subjects हैं like polity, geography, history. और इतने बड़े सब्जेक्ट्स में से यू फेस ओनली 1 to 2 क्वेश्चन और यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम. बहुत कम टाइम है आपकी प्रेपरेशन के लिए. तो व्हाट शुड बी डन? दिस शुड बी डन कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं एस्पेशली फ्रॉम स्पोर्ट्स. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके पोर्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें 6 अलग अलग टॉपिक को राइट इन दिस वीडियो ही हम खत्म करेंगे और उससे मेक श्योर यू आर टेकिंग 18 मार्क्स आउट ऑफ इट. ठीक है, 18 मार्क्स तक आप पूरी वीडियो को देखकर स्कोर कर सकते हो. पीडीएफ यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम. तो बात करते हैं कौन कौन से सेक्शंस को आज हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स के. ठीक है, वी विल बी डीलिंग विद द नंबर ऑफ प्लेयर्स जिससे एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है. फर्स्ट इन द स्पोर्ट्स, जैसे प्रीवियस AFCAT में पूछा गया था कि फर्स्ट विमेन कौन थी जिसे मेडल मिला था ओलंपिक्स में, राइट? दैट वॉज द क्वेश्चन. फिर इवेंट टाइमलाइन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, प्रीवियस ओलंपिक्स कहाँ हुआ था और नेक्स्ट कहाँ होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम डील करेंगे एट वन गो ओनली. फिर पूछा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज. तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है उन सबके नेशनल स्पोर्ट्स को कवर करेंगे. कप्स एंड ट्रॉफी फॉर श्योर क्वेश्चन आता है एंड स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी फॉर श्योर क्वेश्चन आता है. तो सब कुछ ही एक गो में देखेंगे. दिस इज द वीडियो फॉर 18 मार्क्स इन योर AFCAT 1 2022 एग्जाम. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वॉन्ट टू रियली प्रिपेयर वेरी वेल कम टू दिस 30 डेज क्रैश कोर्स ऑन जूम. दैट विल बी लाइव क्लास फॉर 30 डेज. इट इज स्टार्टिंग वेरी सून. प्लीज चेक दिस आउट ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. ठीक है, आपको प्री रिकॉर्डेड सेशंस सारे मिल जाएंगे. यू विल गेट द जूम क्लास, द लाइव क्लास, जहाँ पे सारे डाउट्स आप कवर कर पाओगे. लाइक दिस आप पूरे डाउट्स अपने कवर अप करोगे एंड यू विल गेट द प्रैक्टिस शीट्स एंड द मॉक टेस्ट फॉर योर AFCAT एग्जाम टू चेक योर प्रिपरेशन एज वेल. आज के वीडियो में फटाफट से स्टार्ट करते हैं विद द नंबर ऑफ प्लेयर्स हियर. ठीक है, ओके. बेसबॉल की बात करें, बेसबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 9. ठीक है, 9. आप एक बार ये वीडियो में पूरा गो थ्रू करोगे एंड देन PDF से रिवाइज करोगे. यू कैन ऑल्सो रिवाइज बाई रिवाइंडिंग द वीडियो ऑल्सो. तो आपकी फुल ऑन मेमोरी बूस्ट हो जाएगी. बास्केटबॉल की बात करें तो दे आर 5 प्लेयर्स इन द गेम. ब्रिज में 2 प्लेयर्स होते हैं. रग्बी फुटबॉल की बात करें तो देर आर 15 प्लेयर्स. पोलो में 4, देखो 4 वर्ड का है पोलो. जिसमें ट्रिक लगती जाएगी उसमें आप ट्रिक लगाते जाओगे. पोलो में 4 अक्षर, 4 प्लेयर्स. ठीक है, बिलियर्ड्स या तो फिर स्नूकर्स के नाम से आपसे पूछा जाता है तो उसमें 1 प्लेयर होता है. क्रॉकेट की बात करें, क्रॉकेट 13 या 15 प्लेयर्स होते हैं. वाटर पोलो की बात करें तो यहाँ पे आपके 7 प्लेयर्स हो जाएंगे. ठीक है, 7 प्लेयर्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे. कबड्डी में भी 7 और नेटबॉल में भी 7 प्लेयर्स आर देयर. ओके, डन विद द नंबर ऑफ प्लेयर्स. अब आगे की बात करें, फर्स्ट इन द स्पोर्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ के आता है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसी में गलती करते हैं, या तो नेगेटिव मार्क करते हैं या तो इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाता है. कोई बात नहीं, एट वन गो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं. फर्स्ट इन द स्पोर्ट्स, द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स. यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज की बात नहीं हो रही. इंडिविजुअल मेडल कहाँ पे हमें पहली बार मिला है इंडियन को? KD जाधव को. ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है कि KD जाधव कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में लिखना है. राइट इट डाउन सो दैट आपको याद रहेगी चीज़ें. ठीक है, वरना GK इज वेरी वास्ट. देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बट व्हेन यू राइट इट डाउन विद सम एफर्ट तो वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी. ओके, चलो. फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल. अब गोल्ड मेडल सबसे पहले ओलंपिक्स में किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा को. कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? दिस इज योर होमवर्क. अभिनव बिंद्रा को फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला है. इंडिविजुअल मेडल KD जाधव को मिला है. ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन इंडिविजुअल मेडल
दिस वॉज प्रीवियस ईयर AFCAT का क्वेश्चन, राइट, कि पहली विमेन कौन सी थी जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता, तो शी इज करनाम मलेश्वरी. ठीक है, करनाम मलेश्वरी. फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल में, तो वो कौन थे, महेश भूपति. ठीक है, महेश भूपति को फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल मिला हुआ है इन द ईयर ऑफ 1997. ऑल राइट, फर्स्ट इंडियन टू विन अ वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स में वर्ल्ड चैंपियन सबसे पहले किसने जीता था, विल्सन जोन्स ने. फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं, एंड ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू विन फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप. तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ईजी सा सवाल है, मोस्ट ऑफ द टाइम चेस का आंसर विश्वनाथन आनंद ही होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, डोंट टेक इट वेरी लिटरली. फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स कौन है, जिमनास्ट आशीष कुमार. आपको क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आशीष कुमार कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो ये जिमनास्टिक से एसोसिएटेड है. इनको पहला मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में. ओके, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रैंड मास्टर्स टाइटल. अब ये पहली वुमेन कौन रही है, पहला ऑल इन ऑल रहे हैं विश्वनाथन आनंद. विमेन की बात करें तो कौन है, कोनेरू हम्पी. ठीक है, तो आपको पर्सनालिटी भी याद रखनी है, कोनेरू हम्पी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है चेस से. ठीक है, और यंगेस्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो ये 13 इयर्स के यंग जेंटलमैन हैं जिनका नाम है परिमंजन नेगी. ही इज द यंगेस्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल. ऑल राइट, चलो ठीक है, इसकी एज याद रखना क्योंकि एज से ही इनका महत्व है, इम्पोर्टेंस है. ओके, चलो, सबसे पहले इंग्लिश चैनल किसने स्विम की थी, इंडियन मिहिर सेन ने 1958 में की थी. देन वुमेन कैसे पीछे रह जाती, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑल्सो द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो कौन थी वो, आरती साहा 1959 में. ओके ओके, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम द सेवन सीज, सात समंदर पार कर लिए, फर्स्ट वुमेन कौन रही है, बुला चौधरी. ठीक है, बुला चौधरी द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम द सेवन सीज, राइट. ओके, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स. एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पहली वुमेन कौन रही है, कमलजीत संधु. कौन सा स्पोर्ट्स, यू शुड नो दैट. ठीक है, यू शुड नो दैट. आई विल पिन द कमेंट, आई विल पर्टिकुलरली लाइक द कमेंट, जिन्होंने सारे होमवर्क को नोट करके रखा होगा ना, आई लाइक द कमेंट एंड आई विल पिन दैट आल्सो. ओके, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड इवेंट. ब्रॉन्ज मिला था इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में. किनको मिला था, अंजू बॉबी जॉर्ज को. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ मेडल एट द वर्ल्ड इवेंट. ठीक है, चलो, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन रही है टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल. ग्रैंड स्लैम ऑब्वियसली किसके लिए मिलता है, टेनिस के लिए मिलता है. अभी हम देखेंगे सारी कप्स एंड ट्रॉफीज, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, तो वो भी समझ आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन हमारी कौन सी रही है, सानिया मिर्जा. ओके, सानिया मिर्जा द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप एंड ऑल्सो टू विन अ सुपर सीरीज टूर्नामेंट बाय क्लिंचिंग द इंडोनेशियन ओपन. The first woman who ranked number one, world number one badminton में इनको मिला है, ये कौन है, साइना नेहवाल. साइना नेहवाल is associated with badminton. इनको world number one का title भी मिल चुका है. Okay, चलो, first recipient कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न award के. ऐसे question है ना, बहुत बहुत ज़्यादा important होते हैं. AFCAT is very famous for the questions like first defense minister कौन था, फर्स्ट फिनेंस मिनिस्टर कौन था, यहाँ पे फर्स्ट ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था, तो किसे मिला था, विश्वनाथन आनंद को. फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट कौन थी, करनाम मलेश्वरी ऑफ द सेम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन, किसको मिला था, अपर्णा घोष को. ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अपर्णा घोष. फर्स्ट क्रिकेटर टू बी अवार्डेड अर्जुन अवार्ड, सलीम थुरानी. फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक्स एट टू कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था, तो वो कौन है, सुशील कुमार. सुशील कुमार लास्ट ईयर न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहे थे, ऑब्वियसली फॉर द नेगेटिव रीजन. ओके, चल,
अब हम टाइमलाइन पे आएंगे। सारे इंपॉर्टेंट गेम्स पहली बार कहाँ हुए थे, कब हुए थे, लास्ट टाइम कहाँ और किधर हुए थे, और नेक्स्ट कहाँ पे होंगे। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 1896 से हुई थी। कहाँ से? एथेंस से, ग्रीस से। ठीक है, लास्ट ईयर ये हुआ 2020 टोक्यो जापान। ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड ये 2021 में कंडक्ट हुआ था, बट दैट वॉज स्केड्यूल्ड टू बी इन द ईयर ऑफ 2020 टोक्यो जापान में। नेक्स्ट ये कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस में होगा इन द ईयर ऑफ 2024। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 में कहाँ पे हुआ है। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, 1930 में इसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट गेम्स हुए थे कनाडा के हैमिल्टन में। ओके, लास्ट टाइम ये हुए थे 2018 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट होंगे 2022 बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूके 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया से शुरुआत हुई थी, दैट टू न्यू दिल्ली से इन द ईयर ऑफ 1951। लास्ट टाइम हुए थे 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, 2022 में होने वाले हैं कहाँ पे? चाइना में होने वाले हैं। चलो बढ़िया, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स की बात करें। विंटर ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी 1924 में फ्रांस से। ठीक है, चामोनिक्स करके जगह है, फ्रांस से शुरुआत हुई 2018 में। ये प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुए। 2022 में होने वाले हैं बीजिंग चाइना में। ठीक है, 2022 में चाइना में विंटर ओलंपिक्स भी होने वाले हैं, एशियन गेम्स भी होने वाले हैं। ठीक है, 2022 शायद चाइना के लिए पूरा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने में चला जाएगा। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की शुरुआत कब हुई है? रिसेंटली 1995 में रोम इटली से। लास्ट टाइम हुए थे 2019 में वुहान चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कहाँ होंगे? बोगोटा में, कोलंबिया में। 2023 में कंडक्ट होंगे 2023 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, बोगोटा कोलंबिया। यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये शुरुआत हुई है 2010 में ही सिंगापुर से। 2018 में ये कंडक्ट हुआ है कहाँ पे? ब्यूनोस आयर्स अर्जेंटीना में। 2022 में ये होने वाले हैं सेनेगल में, डकार सिटी में। ठीक है, 2022 डकार सेनेगल यूथ ओलंपिक गेम्स। ठीक है, समर यूथ ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो पूछे जाते हैं और उनके नेशनल स्पोर्ट्स या तो नेशनल गेम्स की बात कर लें। इंडिया का हॉकी, ऑल्दो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत माना जाता है कि इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल गेम नहीं है। ठीक है, तो कीप दिस थिंग टिक मार्क्ड। ओके, टिक मार्क्ड। चाइना टेबल टेनिस अनडिस्प्यूटेड, यूएसए का बेसबॉल। अब देखो आप क्या याद करते हुए चलोगे, जितने भी अभी हमने प्लेयर्स देखे ना, प्लेयर्स याद करते हुए देखोगे। जैसे बेसबॉल में कितने प्लेयर्स थे, तुरंत से क्विक रिविजन कर लो ताकि यू गेट टू नो कितनी चीज़ें आपको याद रहती हैं। बेसबॉल में देर आर 9 प्लेयर्स। ठीक है, गुड। टेबल टेनिस में देखो एक प्लेयर भी हो सकता है, और डबल्स में खेले तो 2 प्लेयर्स भी हो सकते हैं। ओके, स्पेन बुल फाइटिंग, अफगानिस्तान का बुस्काशी, यहाँ पे बकरी जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट बुस्काशी, व्हाट गेम दिस इज। जापान का जू जित्सु, बांग्लादेश का कबड्डी, नेपाल का दांडी बियो, टर्की का ऑल रेसलिंग, और भूटान का आर्चरी। भूटान भी एक आध बार एफकैट में पूछा गया है कि आर्चरी उसका नेशनल स्पोर्ट्स है ऐसा। ठीक है, ऑल राइट। देखो अब मैंने आपको एक कंपाइल अप करके रखा हुआ है, ऑल दो विल गो इन मच डिटेल अबाउट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, बट आप ये पीडीएफ को ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर द क्विक रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे पोलो, रोइंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, सबके कप्स एंड ट्रॉफीज मैंशन है, बट विल गो इन लिटल डिटेल अबाउट इट इंक्लूडिंग द टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, दे आर रिले, ट्रैक, लेन, फोटो फिनिश, हर्डल्स, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो। ठीक है, मैंने एसोसिएटेड इमेजेस भी लगा रखी हैं ताकि आपको क्लिक अच्छे से हो। देखो ये चीज़ ऐसी है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, यू विल नॉट नो इन डिटेल अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, तो आपको ये रिविजन के थ्रू ही याद रखनी पड़ेगी। आई हैव ट्राइड एंड इनकलकेटेड मैक्सिमम इमेजेस ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, बाकी के वर्ड्स कौन से हैं, बाकी के टर्म्स कौन से हैं? हैमर थ्रो,
हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड क्रॉस कंट्री। कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो आप इजीली डिकोड कर पाओगे, कुछ ऐसे हैं नए होंगे, उसका आपको रिविजन ज़्यादा करना पड़ेगा। बैडमिंटन, बैडमिंटन की बात करें तो शटल कॉक, ड्यूस गेम, डबल फॉल्ट, सर्विस कोर्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश, हिट, ड्रॉप, नेट, लेट, लव, दीज आर सम वर्ड्स। पूछे गए वर्ड्स कौन कौन से हैं, लव है, डूइज है, डबल फॉल्ट है, ये सारे क्वेश्चन है ना पूछे गए हैं AFCAT में प्रीवियस ईयर्स में। ओके, डन विद द बैडमिंटन। इसके कप्स की बात करें तो कौन सी है, अमृत दीवान कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, एशिया कप, चड्डा कप, यूरोपियन कप, हरिलेला कप, इब्राहिम राहिमतुल्ला चैलेंजर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, किटियाकारा कप, मलेशियन ओपन, मलेशियन ओपन बहुत बार पूछा है, थॉमस कप पूछा है, उबर कप पूछा है और योनेक्स कप भी पूछा हुआ क्वेश्चन है AFCAT का। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसको आप ज़रूर से एग्जाम से पहले दोबारा देख के जाइएगा। ठीक है, बेसबॉल की बात करें, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर, देयर आर 9 प्लेयर्स इन बेसबॉल। कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, बेस रनर, थ्रो, परफेक्ट गेम, स्ट्राइक एंड पुट आउट। ओके, चलो, दिस यू नो बेटर अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। इसमें हमारे सारे ही सब्जेक्ट राइट फ्रॉम द इंग्लिश, ये बैच स्टार्ट होने वाला है, दिस इज द बैच 2, बैच 1 इज ऑलरेडी रनिंग इन वेरी स्मूथ वे, तो बैच 2 में आप ज्वाइन हो जाना सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द एनीथिंग। ठीक है, बैच 2 में ज्वाइन हो जाना, चारों सब्जेक्ट इंग्लिश, GK, मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। दिस इज द क्रैश कोर्स, लास्ट टाइम भी देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु जस्ट क्लियर द AFCAT विद वेरी गुड मार्क्स आउट ऑफ दिस क्रैश कोर्स, तो मिस आउट मत करना, अभी भी वक्त है, आप अपने एग्जाम ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस में। ओके, चलो, बास्केटबॉल की बात करें तो दैट इज फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडर हेड, टेक्निकल फाउल एंड ओवरहेड, दीज आर सम वर्ड्स विच आर यूज इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स हो जाते हैं, 5 प्लेयर्स। ओके, चलो, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में देर आर सो मेनी वर्ड्स लाइक एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, ब्रॉलर, ब्रीक, बकल, कैनवस, कार्ड, कॉट कोल्ड, क्लिंच, कॉर्स्क्रू पंच, कॉर्नर मैन, काउंटर पंच। आई एम फीलिंग लाइक कि मैंने बॉक्सिंग खेली होती तो कितना अच्छा होता, AFCAT में आई कुड हैव परफॉर्म्ड मच बेटर, इतने सारे वर्ड्स मुझे ऑलरेडी पता होते हैं और मुझे रटने नहीं पड़ते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम द जोक्स। ओके, क्रॉस, कटमैन, डाइव, 8 काउंट, ग्लास जॉ, हेयर मेकर, किडनी पंच, लिवर शॉट, लो ब्लो, मॉलर, न्यूट्रल कॉर्नर, प्लॉडर, रिंग जी, इनर लार्शिप, रफ हाउसिंग, साउथ पो, स्पार, स्टेबल मेट, टेक्निकल नॉकआउट, वॉकआउट बाउट एंड द विस्कर्स। बिलियर्ड्स की बात करें, यहाँ इसमें एक प्लेयर होता है बिलियर्ड्स या तो स्नूकर, जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं पुल, क्यू, हिट पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट बॉल, ब्रेक शॉट, स्कोरिंग एंड द कुशन बिलियर्ड्स। ये तो बहुत ईजी है ना, कुशन बिलियर्ड्स। ओके, चेस की बात करें, चेस में ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, गैम्बिट पूछा हुआ है, स्टेलमेट पूछा गया है, मूव, रिजाइन एंड चेकमेट क्वेश्चन भी पूछा गया है। चेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल से वर्ड्स इसमें हैं। क्रिकेट देखो, AFCAT का फेवरेट होता है क्रिकेट, क्रिकेट रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और ये तो आपको पता भी होगा, द मोस्ट फेमस गेम, हैट्रिक, मेडन, फॉलो ऑन, डिक्लेयर, बोल्ड, कॉट, रन आउट, लेग बिफोर विकेट दैट इज LBW, स्टम्प्ड, स्ट्राइकर, स्लिप्स, गली, शॉर्ट लेग, सिली, मिड ऑन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, बाउंसर, बीमर, गुगली, फुल टॉस, ड्राइव, कट, पुल, हुक एंड फ्लिक, कितने सारे वर्ड्स है राइट एसोसिएटेड विद द क्रिकेट। इसकी ट्रॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कौन कौन सी ट्रॉफीज और कप्स एसोसिएटेड होते हैं क्रिकेट से, दे आर एशेस कप, एशिया कप, CK नायडू ट्रॉफी, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, CK नायडू ट्रॉफी, दियोधार ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, ICC वर्ल्ड कप, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रोहिंतन बारसिया ट्रॉफी,
रोथमंस कप, सहारा कप, शारजहां कप, सिंगर कप, टाइटन कप, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी एंड द विल्स ट्रॉफी. These all trophies and cups are very very important for your FCAT exam. Football की बात करें, football में words use होते हैं attacker, back heel, back pass, ball carrier, bending the ball, bicycle kick, center spot, corner flag, corner kick, cross, defender, direct free kick, dribble. Dribble word hockey में भी use होता है. ठीक है, I have played hockey, that's why I'm remembering this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप भी बताना आपने कौन सा स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में खेला है, ग्रेजुएशन में, अभी खेलते हो या स्कूल में, तो वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखना. राइट, ओके. फार पोस्ट, फजल, गिव एंड गो, स्ट्राइकर, गोल लाइन, गोल माउथ, गोल कीपर, हेडर, इनडायरेक्ट फ्री किक, इन स्विंगर, किक ऑफ, मैन टू मैन मार्किंग, स्वीपर, मिडफील्डर. मिडफील्डर भी हॉकी में यूज होता है. एक्चुअली फुटबॉल एंड हॉकी आर सो अलाइक, बहुत सारे रूल्स भी मैच होते हैं. ठीक है, नियर पोस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफ साइड ट्रैप, ऑफ साइड, वन टच पास, पेनल्टी स्पॉट, रेड कार्ड एंड द टैकल, ये सारे फुटबॉल भी की ट्रॉफीज और कप्स है, जैसे रोवर्स कप, बंदोदकर ट्रॉफी, मडेका कप, कॉन्फेडरेशन कप, DCM ट्रॉफी, दुरंत कप, वेरी इंपॉर्टेंट, रोवर्स कप भी पूछा गया क्वेश्चन है, BC राज ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, जूल्स रिमेट ट्रॉफी, कलिंगा कप, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड, सिजर कप, सुब्रतो कप, एयर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, वित्तल ट्रॉफी एंड UEFA चैंपियंस लीग. ये सारे कप्स और ट्रॉफी फुटबॉल के पूछे हुए हैं 50% ऑफ द टाइम्स. ठीक है, गोल्फ की बात करें, गोल्फ को थोड़ा रिच मैन गेम भी कहा जाता है. उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, एस, अल्बाट्रॉस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच पुट, एप्रॉन, बॉल मार्क, बलूनिंग, बीच, बर्डी, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड शॉट, बोगी, बंकर, कैडी, चिप, क्लॉग्रिप, पेग, ऑफ द डेक, मुलिगन, फोर बॉल, फ्लैग, डब, डॉग लेग, कॉन्डोर, सैंड ट्रैप एंड द टी शॉट. ठीक है, टी शॉट पूछा, टी वर्ड आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, गोल्फ से एसोसिएटेड. इसमें कौन से कप्स दिए जाते हैं, कैनेडा कप, इजेनहोवर कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, मोतिहा गोल्ड कप, नोमुरा ट्रॉफी, पारालम्बी ट्रॉफी, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्स कप पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइडर कप पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोलहेम कप, टोपोलिनो ट्रॉफी, वॉकर कप, वाटरफोर्ड, क्रिस्टल ट्रॉफी एंड द वर्ल्ड कप. ठीक है, ये सारे इससे एसोसिएटेड है. नाउ माय फेवरेट हॉकी, हॉकी में कौन कौन से वर्ड हैं, सेंटर, डिफेंडर, फॉरवर्ड, हाफ, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, पुश इन, फ्री हिट, स्ट्राइकिंग सर्कल गोल, ट्रैपिंग, टाई ब्रेकर, ड्रिबल, ड्रिबल आई टोल्ड यू राइट, फुटबॉल के टाइम पे भी, कैरी, स्टिक, फाउल, ऑफ साइड, गोल कीपर, टच लाइन एंड द गोल लाइन. यू आर टेलिंग मी वॉट गेम आर यू प्लेइंग. ठीक है, खेलते तो होंगे ही, ऑब्वियसली आप डिफेंस से बिलोंग करते हो, है ना, डिफेंस की तैयारी करते हो, तो एक स्पोर्ट्स की बहुत अहम जगह होती है. ओके, चलो, कौन कौन से कप्स एंड ट्रॉफीज यूज होती हैं, सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खान कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप एंड द स्टैनली कप. ये सारी हॉकी से एसोसिएटेड है. शूटिंग से बात करें, बैग, बुल्स आई पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लग पूछा हुआ है, स्किट एंड मार्क्समैनशिप आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम द शूटिंग. स्विमिंग की बात करें, आई हैव ऑल्सो स्विम फॉर सेवरल मंथ्स, सो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर गेम. देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, एड अप, एंकर, अप्रूव्ड मीट, बैक स्ट्रोक, बैनर, बीप, बोनस हीट, बॉटम, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बुल पिन, बुलेटिन कैप, कारपूल, पैडल, लेन लाइन्स, जंप, हीट, गन लैप, फ्री स्टाइल, फॉल स्टार, ड्राई लैंड, कोर्स, चेकआउट, चेक इन, कार्ड्स, पार्का, पूल, पूल बॉय, रिले, स्पिट, स्ट्रोक एंड यार्डेज. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जो स्विमिंग से एसोसिएटेड है. टेनिस से बात करें, टेनिस के देखो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, स्मैश, क्रॉस कोर्ट,
पासिंग शॉट, बैक हैंड, फोर हैंड, स्लाइस, टॉप स्पिन, सर्व, ड्रॉप शॉट, लॉब, डाउन द लाइन, ड्यूज. आई नो इट इज बिकमिंग लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, बट इसीलिए आई एम गिविंग यू दिस वीडियो अ मंथ प्रायर टू योर एग्जाम, ताकि आप इसे रिपीटेडली रिवाइज कर सको. ठीक है, टाई ब्रेकर, सेट, गेम, ग्रैंड स्लैम, एस एंड द वॉली. वॉली वर्ड पूछा हुआ वर्ड है. ठीक है, वॉली. इंपॉर्टेंट कप्स की बात करें तो इसमें डेविस कप आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये चार ओपन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, हिनिकिन कप. हिनिकिन कप. ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, जैसे विलियम कप दिया जाता है बास्केटबॉल में, बैंगलोर ब्लू चैलेंज कप बास्केटबॉल, वर्ल्ड कप वेटलिफ्टिंग, बुर्दवान ट्रॉफी वेटलिफ्टिंग, किंग्स कप एयर रेसेस, स्किनेडर कप सी प्लेन रेस, जवाहर लाल चैलेंज एयर रेसिंग, अमेरिकन कप याच रेसिंग, डेविस कप हॉर्स रेसिंग, चार मिनार ट्रॉफी एथलेटिक्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी पूछा हुआ है ब्रिज के लिए, वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग के लिए, अमेरिकन कप याच रेसिंग, यू नो दैट, डर्बी हॉर्स रेसिंग, ग्रैंड नेशनल इज फॉर हॉर्स स्टीपल चेस रेट. ठीक है, यहाँ पे हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया है. आपको कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, या आप कॉमेंट डाउन भी कर सकते हो. आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट. अदरवाइज यू बेटर नो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एफ कैट सो वेल. एनरोल इन द स्टडी किट राइट नाउ, ताकि आपकी प्रिपरेशन ना रुके. You will get all the recorded videos right now when you subscribe to this particular course, और आपकी live classes का schedule भी आपको मिल जाएगा. Accordingly, you have to attend that. ठीक है? So, this is the end of this video. I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.